आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड विहीन परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए जनपद में पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। 4 से 18 मई तक चलने वाले इस पखवाड़े में स्वास्थ्य विभाग पात्र परिवारों को योजना के प्रति जागरूक करते हुए आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराएगा। जनपद में पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 मई से 18 मई तक एक विशेष पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बुधवार से हो गई। इस अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड विहीन परिवारों या जिन परिवारों के अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग उन परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराएगा। इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पंचायत भवन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, राशन डीलर की दुकान, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर कैंप की व्यवस्थाएं की गई हैं। बता दें, अब तक जनपद में 8,92,000 आयुष्मान कार्ड योजना के लाभार्थी हैं, जिनमें 2.25 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब बचे हुए लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस विशेष पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लक्षित परिवारों को प्रेरित करते हुए कैंप में लाने और आयुष्मान कार्ड बनवाने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए आशा और आरोग्य मित्रों को प्रोत्साहित राशि भी प्रदान की जाएगी। देखिए, आयुष्मान, आप जैसा पता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम 5 लाख का जो एक स्वास्थ्य बीमा देते हैं, उसमें एक निर्धारित लाभार्थी हैं जो कि सेट डेटा के अनुसार और साथ में अब जोड़े गए हैं, जिसमें अंत्योदय कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत लाभार्थी जोड़े गए हैं, इनके कार्ड बनाने हैं। अभियान मोड में ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो हमारे कर्मी हैं उनको इससे जोड़ते हुए, और जन सेवा जो केंद्र है हमारे CSC गाँव में, कॉमन सर्विस सेंटर्स, इनके थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो अभी जनपद में हम लोग के आसपास करीब 25% के आसपास हम लोग कार्ड बना पाए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अभियान बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कब तक ये कितने दिन का है? ये एक पखवाड़े का है जो आज से आरंभ होकर ये हम लोग एक पखवाड़े तक करेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। DG Mazza News के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।